वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई यूपी का जो 85% कोटा है उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब ऑल इंडिया रैंक नीट 2021 में क्या जाने वाली है। तो पहले हम 2020 का डिस्कशन करेंगे और शुरू में ही मैं ये बता दूं कि 9 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं, कट ऑफ बिल्कुल डिक्रीज जाएगी। तो पहले 20 का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद 21 पे आएंगे। केजीएमयू लखनऊ में देखो भाई पिछले साल 2896 पे क्लोज हो गया था जनरल कैटेगरी में। EWS का डाटा है नहीं भाई इसके लिए और RML लखनऊ के लिए। OBC में 4337 पे, SC कैटेगरी 44127 पे क्लोज हुआ था, ST कैटेगरी 51699 पे। इस तरीके से मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप देखते जाइए। जैसे कि GBSM कानपुर, ये भी काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज, 6647 पे क्लोज हुआ था जनरल। EWS 8464 पे, OBC 8075 पे, SC कैटेगरी 66897 पे, ST 133709 पे। तो इस तरीके से हम आते जाएंगे। GIMS नोएडा 9786 पे जनरल में, EWS 11620, OBC 12045, SC कैटेगरी 79053, ST कैटेगरी 179443। तो इसी तरीके से भाई MLB कॉलेज झांसी वाला देख लो, 11489 पे जनरल में क्लॉज, 12552 EWS, 12816 OBC और ये तुम्हारा 88892 SC कैटेगरी, 265940 ST कैटेगरी के लिए। GMC कन्नौज की बात करें तो 12917 जनरल, EWS का इसमें डेटा मिला नहीं। OBC कैटेगरी के लिए 13004 पे क्लोजिंग हुई थी, SC कैटेगरी 113750, ST कैटेगरी 316039। फिर देखते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन का, तो 14621 पे क्लोज हुआ जनरल के अंदर, EWS का नहीं मिला इसमें डाटा, 16931 OBC में और 126871 SC कैटेगरी, ST का डाटा अवेलेबल नहीं हो पाया। GMC आजमगढ़ का देख सकते हैं आप। और फिर हम आते हैं GMC बांदा पे, एक मैं बता दूं 9 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं अब हम आने वाले हैं 2021 पे। तो ये ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज जैसे शाहजहांपुर है, इसमें देख लो 15798 पे जनरल में क्लॉज, 16479 EWS, 17212 OBC, 127609 ये तुम्हारा है SC कैटेगरी और 385843 ST कैटेगरी। अब मैं ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज बहराइच की बात करूं तो 16646 जनरल, 16994 ये EWS का है, 17483 OBC का है, 128562 ये तुम्हारा है SC कैटेगरी और 385727 ST कैटेगरी। तो इस तरीके से स्क्रॉल करके आप देख सकते हो पूरे, ठीक है भाई, 2020 का देख लिया। अब जैसा कि देखा गया फ्लड ऑफ मार्क्स कि मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों के नंबर आ रहे हैं, तो मैं शुरू में ही बता दूं पहले कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाएगी शुरुआत के कॉलेज में, और जहां से मैंने टिक मार्क किया है ये देखो, यहां से मैंने टिक मार्क किया है ये सहारनपुर, यहां से कट ऑफ डाउन होना शुरू होगी। तो यहां तक मतलब GMC कन्नौज तक बढ़ने की उम्मीद है, मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो KGMU लखनऊ 2590 पे जनरल में क्लॉज हो सकता है, EWS का इसमें डेटा नहीं मिला था तो एक्सपेक्टेशन हो नहीं पाई इसके अंदर। 4246 पे OBC में क्लॉज हो सकता है और 42438 पे SC कैटेगरी में क्लॉज हो सकता है। ST में 49800 पे। इसी प्रकार डॉक्टर RML लखनऊ वाला 4322 पे जनरल में क्लॉज हो सकता है, OBC के अंदर 5744 पे और SC कैटेगरी में 57738 पे। इसी तरीके से आप देखते जाओगे हर कॉलेज के लिए। GIMS नोएडा के लिए 9569 पे, EWS में 11459 पे, OBC में 11693 पे, SC कैटेगरी 78489 पे, ST कैटेगरी 177324 पे। तो ऐसे ही हम चलेंगे। जैसे UMS सफाई का जो है इटावा में, तो वहाँ 11956 पे मिल सकता है जनरल, 12469 ये तुम्हारा EWS, 12963 OBC, 90328 SC कैटेगरी, 242349 ST कैटेगरी। देखो भाई 600 से नीचे जब नंबर हैं तो रैंक्स इंप्रूव हुई है, ये बच्चों की रिपोर्ट है, बच्चों ने ये बताया है कि 600 से नीचे पे रैंक इंप्रूव हुई है और 600 से ऊपर जहां आनी थी 15000 वहां 18000 आ गई है। तो इसलिए थोड़ी सी ऊपर वाले कॉलेजेस में कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा देगी और बाकी जो नीचे वाले हैं जिनमें 600 के नियर बाई हैं वहाँ कट ऑफ थोड़ी सी कम होगी।
जीएमसी सहारनपुर 13,200, एक पे जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 15,185, एससी कैटेगरी में 1,17,861 पे, एसटी 3,87,589 पे। इसी तरीके से आजमगढ़ का देख लो भाई, जनरल कैटेगरी 15,423 पे, ओबीसी 15,896, एससी कैटेगरी 1,18,453, एसटी कैटेगरी 3,43,206। अब हम बात कर लेते हैं भाई तुम्हारा एएमसी अयोध्या जो कि ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज है, 14,226 पे जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में 14,619, ओबीसी में 14,491 पे यहाँ मिल सकता है। एससी कैटेगरी 1,18,485, एसटी कैटेगरी 3,73,115। अब हम बात करें बस्ती की तो भाई 16,836 पे मिल सकता है, 17,236 इन योर ईडब्ल्यूएस, 17,688 इन ओबीसी, 1,28,749 एससी कैटेगरी, 3,50,756 इन एसटी कैटेगरी। अब बात कर लेते हैं भाई न्यू मेडिकल कॉलेजेस, तो मुझे उम्मीद है जनरल कैटेगरी में यूपी 85% से इस बार 25,000 रैंक तक मिलने की संभावना है। जनरल कैटेगरी के अंदर 900 सीट्स इंक्रीज हुई है। अब जब सीट्स इंक्रीज हुई है, प्लस ये भी है कि बीच की मेरिट में दूसरे स्टेट के बच्चे भी घुसेंगे, पूरी ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर अलॉटमेंट होगी, तो स्टेट रैंक, स्टेट मेरिट के हिसाब से मुझे लगता है 25,000 रैंक, मतलब ऑल इंडिया रैंक 25,000 तक मिल जाएगी। EWS में ऑल इंडिया रैंक 28,000 तक इस बार सेफ है EWS के अंदर, और OBC कैटेगरी में 30,000 रैंक तक सेफ कह सकते हो इस बार, 30,000 रैंक तक। और ये तुम्हारा ST कैटेगरी में 4,30,000 तक, और SC कैटेगरी में 1,50,000 रैंक तक बिल्कुल सेफ है। तो ये 10 एक्स्ट्रा हो गई, यहाँ कितने भाई 30,000, यहाँ पे 17,883 से 30,000 है, ये 0 एक्स्ट्रा लिख गई है मिस्टेक से। तो ये थी भाई कट ऑफ एक्सपेक्टेड नीट 2021 की यूपी 85% कोटा के लिए।